हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं आज मेरे पास आई हुई स्प्लेंडर प्लस BS6। दोस्तों यहां पे इंजेक्टर लगा हुआ है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये बाइक BS6 है। और दोस्तों इस बाइक में प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो तुरंत ही बंद हो जाती है बाइक, जैसे ही एक्सलेटर को छोड़ते हैं तुरंत ही बाइक बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसको हम आज शॉर्ट आउट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम समझ में आ सके और कहां से क्या प्रॉब्लम हुआ है हम आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं बाइक बंद हो जा रही है, फिर स्टार्ट मारते हैं, देखिए दोस्तों फिर बाइक बंद हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ईयर स्क्रू नट लगा हुआ है, देखिए ऊपर के साइड ईयर स्क्रू नट लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा रेस स्क्रू है जिससे हम रेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमें दोनों को एडजस्टमेंट किस तरह करना है ताकि हमारा गाड़ी ज़्यादा रेस भी ना हो और ज़्यादा स्लो भी ना हो जिसके कारण बंद हो जाए, और हम OBD से लगा के आपको रेस को मिला के दिखाएंगे। तो चलिए हम पहले पैनल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पैनल जो है ओपन हो चुका है। तो चलिए हम OBD के कपलर को खोजते हैं। तो देखिए हमारे पास हाथ में OBD है, तो OBD को हम अभी इसमें इंस्टॉल करेंगे और आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे इस वीडियो में कि OBD से ट्यूनिंग को कैसे मिलाते हैं। तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, जैसे हम OBD को लगाएं तो यहाँ पे हमारा जो ग्रीन लाइट है, जो रेड लाइट है, वो हमारा जल चुका है। तो चलिए हम देखिए दोस्तों, हम टॉर्क प्रो एप्लीकेशन को ऑन किया, ब्लूटूथ हमारा ऑन है और हम लोकेशन को ऑन करेंगे। तो देखिए हम यस पे क्लिक करते हैं, तो फिर बैक जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए हम बाइक को स्टार्ट करके और आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना RPM है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही एक्सेलेरेटर को छोड़ते हैं देखिए कितना कम RPM है इसमें। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे 7 mm का नट लगा हुआ है और 2 नंबर के एलंकी की मदद से हम इसे थोड़ा टाइट करते हैं। देखिए इस तरीके से टाइट करिए कि देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइट हो रहा है। देखिए हमें इतना प्रेस करके और छोड़ देना, उसके बाद ईयर स्क्रू को धीरे धीरे खोलना है, लूज़ करना है। धीरे धीरे हम इसे लूज़ करते हैं, जहाँ पे RPM ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा वहाँ पे हमें छोड़ देना है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ठीक है। अब हम इसे जो रेस स्क्रू होते हैं उसे हम लूज करेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से हम लूज कर रहे हैं। चलिए हम इसे टाइट कर लेते हैं नट को। तो देखिए हमारा अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है और बाइक बंद भी नहीं हो रहा है और हमारा RPM देखिए 13 कुछ आ रहा है, तो इतना ही रहेगा, 13-12 से 14 के बीच में रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, देखिए हमारा RPM बिल्कुल सही अब आ चुका है, बाइक भी नहीं बंद हो रही है और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हमारा हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, बाइक बिल्कुल सही हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं रही बाइक में और अब बंद भी नहीं होती है बाइक। दोस्तों और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ से अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारा RPM फ्लक्चुएट करेगा कम ज़्यादा, समझे, इसीलिए हमें यहाँ से भी हमें एडजस्टमेंट करना है।
ताकि हमारा जो आरपीएम है बिल्कुल सटीक रहे और फिर कोई दिक्कत नहीं हो।